नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित वांद्रे। आप मेरे सामने जो आइसक्रीम देख रहे हैं, ये 21 किस्म के आइसक्रीम है, 3 किस्म की कुल्फियाँ है, जो सिर्फ एक दिन में बनाना इन जो महिलाएं हैं हमारी, उन्होंने सीखा है। एक दिन में इतनी सारी आइसक्रीम बनाई है, घर में अपने पति को और बच्चों को भी खिलाया है, और इसका पूरा श्रेय जाता है भावना मैडम को, जिन्होंने इन्हें ये आइसक्रीम बनाना सिखाया है। कुल मिलाकर 21 किस्म के आइसक्रीम एक दिन में सीखना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है। मैम, किस तरह क्या क्या फ्लेवर्स है 21 तरह के आइसक्रीम में, क्या बताएंगे? यस, मैं हूँ शेफ भावना, हेड शेफ ऑफ भावनाज किचन। एंड देखिए गाइज, अभी समर स्टार्ट हो गया है, ये सारी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इन्होंने सब ने कोई ना कोई कोर्स ऑलरेडी पहले कर चुके थे एंड अभी वेट कर रहे थे आइसक्रीम कोर्स आने का। एंड जैसे ही ये कोर्स आया, फटाफट एनरोल किया एंड हमने इतने ही लोगों का लिया है अभी क्लास। एंड इसमें जो है, मैं स्पेशलिटी है भावनाज किचन की कि हम लोग सिखाते नेचुरल आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम जिसमें GMS एंड CMC पाउडर बिल्कुल होती नहीं है, हम एकदम नेचुरल वे से बनाते हैं। एंड जैसे बोलते हैं कि विदाउट प्रिजर्वेटिव है, 1 मंथ की गारंटी होती है ये सारी आइसक्रीम्स की, जिसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। 1 मंथ ये आपकी फ्रीजर में रहेंगी आइसक्रीम विदाउट प्रिजर्वेटिव। एक दिन में आपने ये सिखा दिया, मतलब ऐसा कैसे सिखा देते हो एक दिन में सब कुछ? हाँ, सबने, पता है कल हमने पूरा दिन भर क्लास किया एंड शाम को जाके इन सब ने ना आइसक्रीम बनाई घर में एंड ट्राई की एंड मॉर्निंग में टेस्ट करके आए हैं सब लोग घर में। एक दिन में सीखा? हाँ, सिखाएंगे। सीखे आप एक दिन में? हाँ, सीखे। एक दिन हो गया? हो गया। कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे, जैसे 2-3 इंग्रेडिएंट्स रहती है बस, और फिर फटाफट हो जाता है। हाँ। तो सुबह अगर बनाए और शाम को इन्हें अपन सबको सर्व करके दे सकते हैं। हाँ। इतना फटाफट नहीं, तो दूसरा वगैरह बनाते हैं तो दूसरे दिन तक वेट करना पड़ता है, इतना कुछ नहीं। बस फटाफट यहाँ से समझो, मैं घर जा रही हूँ तो बस 2-4 सामान जो लगा वो ले लिया, घर जाके रख दिया, शाम को बन के तैयार। मैम, क्या आइसक्रीम तो बनाना सीख लिया आप सबने, अब इसका क्या 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 फ़ायदा है? घर में पति को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, या फिर उसके फिर कुछ भी सेल आउट? सेल आउट भी कर सकते हैं। और आपने कैसे सीखा, किस लिए सीखा? वैसा तो बच्चों को खिलाना है और सीखना था, और मैडम का प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा रहता है कि वो एक दिन में उनके लिए पॉसिबल रहता है कि सिखाना। और हर लेडी 2-3 दिन के लिए और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो नहीं आ सकती है, तो उनके वजह से हम एक दिन में इतनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। बच्चों को सिखाना है, बच्चों को खिलाना है, पति को नहीं खिलाना है? पति को भी खिलाना है, पति को भी खिलाना है। मैम, आपने एक दिन में सीखा, अब क्या क्या इसमें कुछ सेल आउट करना है, या फिर क्या आपका थॉट प्रोसेस सामने के लिए? नहीं सर, मैंने तो अपने घर के लिए ही सीखा है, मुझे कोई प्रोफेशनल क्लास वगैरह भी नहीं करना है, ना ही मुझे प्रोफेशनल मतलब कमर्शियल माइंड से नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने घर में बना के खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी खुद को शौक है सब बनाने का। और इसके पहले भी हमने मैडम के वहाँ पे केक का क्लास किया हुआ है, वेजिटेरियन ग्रेवी का क्लास किया। मैडम का वे ऑफ प्रेजेंटेशन और पढ़ाने का जो तरीका रहता है ना, वो हम बहुत जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हमको 2 बेस बनाना पड़ते, एक वैनिला बेस और एक चॉकलेट बेस, और उसमें फिर अलग अलग हम इंग्रेडिएंट्स डाल के अलग अलग फ्लेवर के सारे बना लेते हैं। तो बेस है सबसे वैनिला बेस और चॉकलेट बेस, उस पर से हमने ये सब आइसक्रीम्स के फ्लेवर बनाए। कुछ और हमारे साथ स्टूडेंट, उनसे बात करते हैं। अब जो है आइसक्रीम, अब गर्मी का सीजन है तो पिघल रही होंगी, मुझे भी थोड़ा टेस्ट करना है। मैम, कौन बात करेगा मुझसे? आप टीचर हो? जी, मैं राष्ट्रीय माध्यमिक हिंदी विद्यालय में हेडमिस्ट्रेस हूँ। तो बच्चों को सिखाओगे भी अपने? नहीं, बच्चों को तो सिखाना है, लेकिन ये मेरी हॉबी है कुकिंग में, और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरा कांटेक्ट भावना मैडम से हुआ, और भावना मैडम के ने मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा क्लासेस किए, उसके बाद केक का बेसिक क्लास किया, आज मैं मेरा प्रोफेशन संभाल कर भी मेरी हॉबी जो है वो पूरी कर पाती हूँ। मेरे सेल आउट करती हूँ केक्स, मेरे बनाए हुए केक लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत दूर दूर तक सेल आउट होता है। और आज ये आइसक्रीम का जो क्लास है कि एक ही पैकेट लेके आते हैं, बच्चों को वही वही फ्लेवर खिलाते हैं, वही चोकोबार या चॉकलेट या फिर क्या बोलते हैं बटर स्कॉच, लेकिन आज हम लोग जो हैं हमारे फैमिली को भी, हमारे घर में आने वाले गेस्ट लोगों को भी, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी कम खर्चे में, कम इसमें नेचुरल इससे और बिना प्रिजर्वेटिव के बहुत अच्छा आइसक्रीम दे सकते हैं। तो मैं हार्टली थैंकफुल टू भावना मैडम कि मैडम से इतना से सिखाया। टीचिंग में पैसा कमाना है, फिर इसको सेल आउट करके पैसा कमाना है। देखिए पैसा कमाना ये मेन उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ से हर कोई ये सब कुछ नहीं कर पाता,
तो सब लोग यहाँ से कितने लोग क्लासेस करके गए हैं और सभी लोग ये सब कुछ करते हैं ऐसा नहीं है। मेन होता है अपना हॉबी और उसमें इंटरेस्ट कि अपनी जो डेली रूटीन है या अपना जो भी ड्यूटीज़ है उसमें से समय निकाल कर अपने हॉबी को संभाल कर रखना और उसको थोड़ा ग्रो अप करना, और ये मैंने भावना मैडम से सीखा है। मैम आपने किसी ने ट्राई किया है घर में बना के जम गया? फर्स्ट डे ही था तो मैं अभी सावन लेके आके करने वाली हूँ, आज बनाने वाली हूँ पूरा। समझा, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मैम के साथ पहले दिन। हाँ, 21 किस्म के मैम जो है आपने आइसक्रीम बनाए हैं, तो कुल मिलाकर 21 किस्म के कौन सी होती है? 22 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम बनाए हैं। इट्स ओके। सो ये हमने वाटर मेलन बनाई एकदम नेचुरल, इसके अंदर ना आपको वाटर मेलन के चंक्स दिखेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड फ्लेवरफुल आइसक्रीम बनाई है। प्रोफेशनल क्लासेस भी होते हैं इसके, ये तो घरेलू लेडीज़ के लिए हम लोगों ने किया क्लास, लेकिन प्रोफेशनल क्लासेस भी होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओपन हुई है बहुत सारे लोगों की, जैसे तुमसर में एक फैक्ट्री ओपन हो गई है जिन्होंने यहाँ से ही मेरे पास से ही आइसक्रीम का प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे एंड उनकी फैक्ट्री ओपन हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग होटल्स में अपनी आइसक्रीम फ्लेवर। गाइज आप इसके बाद में ना भूल जाओगे बाहर के किसी भी ब्रांड का, मैं किसी भी ब्रांड को बोल नहीं रही हूँ, लेकिन भावनास किचन के यहाँ के आइसक्रीम के टेस्ट करने के बाद में आप लोग फ्लेवर भूल जाओगे। ये है रेड वेलवेट, ये है जेलो मेलो, ये है ओरियो, ये है चॉकलेट ओवरलोडेड फज आइसक्रीम एंड ये ऑरेंज आइसक्रीम है जिसको हमने ऑरेंज में ही फील किया है। ये मैंगो आइसक्रीम है, ये मैंगो के अंदर आइसक्रीम है, इसको फील किया है, अंदर की जो बीज होता है वो निकाल के इसी के अंदर फील किया है। ये भी बहुत चल रहा है मार्केट में। आपने मैंगो कहाँ से ला ली? मैंगो आ गए हैं मार्केट में, मैंगोज आ गए हैं मार्केट में। और हम लोगों को करना होता है ना, हम कहीं पे भी जाके मेरे स्टूडेंट के लिए मैं मटेरियल तो ढूंढ ही लेती हूँ। एंड ये बनाई है गाइस कसाटा, सबकी फेवरेट, एंड इसमें तीन फ्लेवर आपको दिखेंगे, ब्लूबेरी ब्लैक करंट एंड इसमें है बटर स्कॉच है ना, एंड इसमें है चॉकलेट। एंड ये बनाई है हमने तीरामिसू ये है आई थिंक, एंड ये है रोस्ट, ये तीरामिसू है वो रोस्टेड आलमंड है, ये पान है, और ये कौन सी बनाई थी हमने, मुझे तो गुआवा है यस, ये गुआवा है एंड ये है बटर स्कॉच एंड कुल्फी। देखिए गाइस तो बहुत टाइम से फोटो हो रहा है तो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, अभी गर्मी बढ़ रही है नागपुर में एंड हमको ऐसे कुछ ठंडे चीज़ें खाने का मन होता है। सो इस तरीके से फुल हाइजीन तरीके से आप लोग बनाइए घर में एंड अपनी फैमिली के साथ में पूरा समर एन्जॉय कीजिए। कुल मिलाकर 22 किस्म के आइसक्रीम है और एक दिन में ही भावना मैडम जो है बनाना सिखा देती है। अगर आप आइसक्रीम बनाने की इच्छुक है तो आप एक बार कॉल कीजिए भावना मैडम को, वो आपको एक दिन में आइसक्रीम बनाना सिखा देगी। सिर्फ आइसक्रीम नहीं बल्कि केक, बिरयानी, काफ़ी सारे जो कुकिंग में जो चीज़ होती है वो आपको मैडम 107 टाइप ऑफ क्लासेस है, उसमें आपको कई कई चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल कुकिंग में जाना चाहते हो तो उसका भी फायदा आपको भावना मैडम के इस किचन से होने वाला है। अब एक दिन में आइसक्रीम जो है बना दी गई है, कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से आपके मुंह में पानी आएगा इसको देखने के बाद। ऑब्वियसली मेरे भी मुंह में आ रहा है पानी, तो अभी मैं इसको मैडम से परमिशन लेके इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैम कौन सा टेस्ट करूँ मैं? कोई भी, जो आप स्पून देना बेटा उधर से प्रिया। अभी घरेलू जो लेडीज़ होती है उनके लिए हम लोग थोड़ा टाइम निकालते सैटरडे संडे की, उनकी जो उनको जो सीखना है बहुत ही कम फीस में, फीस बहुत कम थी गाइस है ना, आई थिंक फीस बहुत कम थी एंड इतने सारे टाइप्स जो हमने कवर किए हैं आइसक्रीम के, अभी आपको किसी भी समर में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 250-300 के बड़े बड़े पैकेट लेके आओ एंड ना अफोर्ड नहीं करते बहुत सारे लोग के इसके आइसक्रीम को लेके। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी है मेरे पास में कि जो लोग पूरनपोड़ी आइसक्रीम सिखाती हूँ मैं एक्चुअली। ये कौन से फ्लेवर होता है? पूरनपोड़ी आइसक्रीम का फ्लेवर का जो यहीं पे भावनास किचन में प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको सीखने को मिलेगा, पानी पूरी आइसक्रीम मिलेंगी आपको एंड मसाला चाय आइसक्रीम मिलेंगी एंड ऐसे बहुत सारे टाइप्स के फ्लेवर है जो यूनिक है, जो आपने तीखी आइसक्रीम, तीखी एंड मीठी, यस यस, खट्टी तीखी, तीखी एंड मीठी होती, खट्टा मीठा तीखा होता है। सो घरेलू लेडीज़ के लिए हम लोग ऐसे सैटरडे संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए करते रहते हैं एंड बाकी जो है मॉर्निंग 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मेरे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन मैं लेती हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज एंड 2 दिन तो मैं आप लोगों के लिए निकाल ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच। तब तक आप जो है मैडम को कॉल कीजिए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और मैं तब तक टेस्ट कर लेता हूँ।